तो MBA 23-25 बैच के लिए IIM अहमदाबाद जो इंटरव्यू किया था इस बार PI का, तो PI का एक क्वेश्चन IIM अहमदाबाद में बिल्कुल पूछा है। सो एक दो बंदा को पूछा था, दे आर फ्रॉम ऑल्सो IIT, बैकग्राउंड था उसका। तो मैंने इस बार तो रिजल्ट निकला तो उन लोगों के साथ बातचीत हुआ, तो पूछा एक दो आदमी मेरा जान पहचान था उसका हो चुका है IIM अहमदाबाद कन्वर्ट आफ्टर IIT खड़गपुर बीटेक, ओके, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स ही इज़ फ्रॉम बेसिकली IIT खड़गपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड वन ऑफ देम इज़ IIT खड़गपुर केमिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी है बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जेम प्रोफाइल है, IIM अहमदाबाद में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसको मैं पूछा था, तो आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन हुआ। तो बोला देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग कोई पूछेगा तो पहले जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों का बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में, वीडियो को लाइक ठोकिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या क्वेश्चन आपको जानना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो क्वेश्चन पूछा था व्हिच इज द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो खास करके जो केमिकल इंजीनियरिंग का जो बंदा था तो उसको थोड़ा सा पता था क्योंकि उसको बेसिकली ही इज फ्रॉम कोर इंजीनियरिंग सर्विस। तो कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में क्या होता है ना, बहुत सारा चीज़ मालूम होता है, लेकिन आप जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ोगे या IT पढ़ोगे या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो क्या होगा ना, आपको कोर इंडस्ट्री एंड द बेसिक इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा चीज़ आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे कि ना सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल प्रोसेस इन इंडस्ट्री, माइनिंग इंजीनियरिंग, तो दोज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज अ वेरी हाई फाई इंजीनियरिंग एंड आई रेस्पेक्ट देम, इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो ऑल्स देयर। तो क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछा था अहमदाबाद में व्हिच इज द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री, मतलब इंडिया में, तो नॉट इन द वर्ल्ड। तो उन लोग बोला था लेकिन आंसर सही जवाब नहीं दे पाया, तो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग का बंदा तो बोल ही नहीं पाया। वो बोला है रिलायंस, एक आदमी बोला इलन मस्क का जो कंपनी है ट्विटर, एक बोला है गूगल में चला गया उसका जो इंडियन पार्ट है, फेसबुक में चला गया जो अभी मैडम देख रही है FMS दिल्ली का एलामनीज है उनका जो है मेटा, बोला आंसर है, लेकिन आंसर एकदम गलत है। तो जो भी है केमिकल इंजीनियरिंग का बंदा को क्या हुआ था ना, थोड़ा सा ग्लिच करके पूछा गया था, एक बार आंसर देने के बाद उसको बोला था हाँ ऐसा होगा, तो उस टाइम वो क्या बोला, दैट इज गवर्नमेंट, मतलब तो पूछा था गवर्नमेंट मतलब, बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना बोला। सो दैट इज़ द राइट आंसर, बिकॉज इंडिया में व्हिच इज़ द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आपको अगर पूछेगा तो आंसर इज द गवर्नमेंट, मतलब है सरकार, ओके। सो दिस इज द थिंग। तो वन सेकेंड मैं बोल रहा हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन ऐसा मतलब नहीं है कि आप जैसा अंडर ग्रेजुएट में जो पढ़े हो जो किए हो वैसे ही पूछा जाएगा, इट इज़ ए लीस्ट बेसिक क्वेश्चन, मतलब क्या नहीं, सबको ये चीज़ पता है। आप एक ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे, उसका कंडक्टर को पूछोगे तो वो बोलेगा कि ये रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, सरकार है गवर्नमेंट है, वो बता देगा लेकिन आप बता नहीं पाओगे। सो ऐसे ही है, सो दिस इज द थिंग एंड वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू। तो उसके बाद कोई कोई बंदा को पूछा गया था व्हाट इज मनी, हाँ ओके, वो बोला था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा स्पेशलाइजेशन करेंगे। तो मार्केटिंग सेल्स का पूछा गया था कि जे आपको ये डोमिनोज पिज्जा का क्या क्या आपको इन्फ्लुएंशियल चीज़ है, मार्केटिंग चीज़ है, तो बता नहीं पाया। तो डोमिनोज पिज्जा का देखिए आपको मैं बताता हूँ, डोमिनोज पिज्जा का यहाँ पर मैं ऑप्शन दिया, ये जो चीज है, ये जो चीज़ है इसको फ्लेक्स बोलते हैं, चिली फ्लेक्स, ओके, इसको चिली फ्लेक्स बोलते हैं, इसको चिली फ्लेक्स एंड ऑर्गेनो सीजनिंग बोलते हैं, एंड ऑर्गेनो सीजनिंग बोलते हैं, ये क्या होता है ना हम लोगों को दिया जाता है, ये तीनों चीज़, ओके, तीनों चीज़ हम लोगों को दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसको खर्चा नहीं कर पाता है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग को इसके पास रह जाता है। रहने का मतलब यही है, क्या होता है ना हम लोग जब इसको देखते हैं टेबल में या दराज में हम लोग रखता है, तो इसको जब देखते हैं ना तो उस टाइम हम लोग को डोमिनोज पिज्जा का टेस्ट याद आता है, तो फिर क्या करते हैं ना हम लोग डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करते हैं, जाके हम लोग खरीद लेते हैं। सो दैट इज़ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ डोमिनोज पिज्जा, इसको बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, वो चीज़ इस बार पूछा गया था, ओके। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स, तो FMCG गुड का अंडर में आता है। सो ऐसे ही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मतलब, बेसिक मतलब ऐसा बेसिक है, सो व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चन, मतलब ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछता है। सो वन सेकेंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज
प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ऐसा वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल एंजॉय कर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस। वो दिमाग को काम कराओ। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।